देखिए कोच होने के नाते मैं कभी भी ऐसे फैसलों का समर्थन नहीं करूंगा जो साक्षी मलिक ने जैसे जूते उतार दिए विनेश फोगाट ने जो ट्विक कर दिया छोड़ दिया चली गई बोले तो कि मेरे को बस बस हो गया तो एक कई बार जितने खिलाड़ी जो बहुत आउटस्टैंडिंग के होते हैं ना वो तपस्वी लोग होते हैं वे वे कई मौक़ों पर जाके भावनात्मक तौर से इमीडिएटली प्रभाव डाल देते हैं फिर तो बाद में उनको समझाया जाता है और वो मनन करते हैं चिंतन करते हैं तो वो अपने इरादों से बदल भी जाते हैं ने कल एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया अपने रिटायरमेंट को लेकर कि माँ मैं हार गई ये कुश्ती जीत गई अब नहीं हो पाएगा ताकत नहीं रही थक गई उम्मीद लगा रहे थे पूरे भारतवासी आप भी लगा रहे होंगे सर कि अब अगले यानी कि एलए ओलंपिक में आ, विनेश अगले पदक के लिए लड़े आ, एक पदक भारत को लाए क्योंकि सुनहरा सा करियर रहा है इनका लंबे समय तक खेला 20-25 साल आप कुश्ती कर रहे हैं उसके बाद अगर पदक ना दिला पाएं तो वही निराशा होती है जो कल विनेश के पोस्ट में नजर आई फैसले को कैसे देख रहे हैं देखिए फैसला विनेश ने लिया है क्योंकि एज फैक्टर फेक, भी होता है रेसलिंग के अंदर कि आपकी शक्ति क्योंकि ये साइंटिफिक है तीस साल के बाद बॉडी सुघटने लगती है एक आम आदमी की भी एक खिलाड़ी की भी लेकिन अच्छा जीवन जीने वाला व्यक्ति पैंतीस साल तक भी रेसलिंग करता है क्योंकि ये जिमनास्टिक तो है नहीं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी प्रभावित होगी और जिमनास्टिक में आपका प्रदर्शन बिगड़ेगा और कम उम्र में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे ये गेम टू गेम गेंट डिपेंड करता है रेसलिंग में परिपक्वता जितनी आएगी आप अपनी शक्ति का अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करना जब जान जाएंगे तो so मेच्योरिटी आ गई है विनेश के अंदर एक स्तर बन गया है विनेश का क्या विनेश अगले चार सालों तक अपनी स्ट्रेंथ स्टेमिना अपनी फ्लेक्सिबिलिटी अपना कोऑर्डिनेशन अपना वेट क्या ऐसा एक जीवन जी सकती है क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज है एक तीस साल का व्यक्ति होने के बाद में थोड़ा सा और असंभव कुछ भी नहीं है और विनेश जैसों के लिए संभव है <laughs> जो हम देख रहे हैं इस बेटी को क्योंकि मैं उसको बचपन से जान रहा हूं तो संभव भी है लेकिन एक बहुत बड़ा त्याग कहीं ना कहीं पारिवारिक दृष्टिकोण को भी हटा के आपको एक सन्यासी जीवन जीना तो तो बहुत यानी मुश्किल होता है है लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है। तो फैसले का समर्थन कर रहे हैं आपके विनेश ने अब ये फैसला ठीक लिया है देखिए कोच होने के नाते मैं कभी भी ऐसे फैसलों का समर्थन नहीं करूंगा जो साक्षी मलिक ने जैसे जूते उतार दिए विनेश फोगाट ने जो क्विक कर दिया छोड़ दिया चली गई बोले कि मेरे को बस बस हो गया तो एक कई बार, बार जितने खिलाड़ी जो बहुत आउटस्टैंडिंग के होते हैं ना वो तपस्वी लोग होते हैं वे वे कई मौक़ों पे जाके भावनात्मक तौर से इमीजिएटली प्रभाव डाल देते हैं फिर बाद में उनको समझाया जाता है और वो मनन करते हैं चिंतन करते हैं तो वो अपने इरादों से बदल भी जाते हैं तो मैं समझता हूँ कोच होने के नाते मैं ऐसे रिटायरमेंट की कल्पना कभी अपने स्टूडेंट से नहीं करता मैं मैं चाहता हूं कि विनेश को एक बार और अपनी श्रेष्ठता साबित करनी चाहिए और नहीं भी करेगी श्रेष्ठता साबित तो हम ये मान रहे हैं कि विनेश ने दुनिया के सब सर्वश्रेष्ठ पहलवानों को हरा के ओलंपिक के फाइनल में जीता है और गोल्ड जीता है